दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी इंटेल कॉर्प हजारों कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। ये खुलासा हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक छंटनी की घोषणा इस महीने की शुरुआत में की जा सकती है। इस छंटनी में सेल्स और मार्केटिंग समेत अन्य डिवीजन से लगभग 20% कर्मचारियों की कटौती की जा सकती है। कंपनी का क्या कहना है। दूसरी तरफ इंटेल ने नौकरी की कटनी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि जुलाई तक कंपनी में 1,13,700 कर्मचारी थे। इसी महीने कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों के अनुमान आने के बाद अपने वार्षिक बिक्री और लाभ के पुनरानुमान को घटा दिया था। कोरोना महामारी के दौरान कंपनी के सेल्स में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन अब ऊंची महंगाई दर के साथ साथ ऑफिसों और स्कूल के खुलने के कारण हाल ही में कंप्यूटरों की बिक्री में कमी आई है। इस वजह से कंपनी के सेल्स में गिरावट दर्ज की गई है। सप्लाई चेन में आई रुकावट। चिप मेकर्स के प्रमुख पीसी बाजार चीन और यूक्रेन संघर्ष में कोरोना प्रतिबंधों के दबाव में हैं, जिसके कारण सप्लाई चेन में रुकावट आई है और मांग पर भी असर पड़ा है। इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पेंट गेलसिंगर ने मंगलवार को कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें बाहरी ग्राहकों और कंपनी के उत्पाद लाइनों के लिए एक इंटरनल फाउंड्री मॉडल बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी इंटेल कॉर्प हजारों कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। ये खुलासा हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक छंटनी की घोषणा इस महीने की शुरुआत में की जा सकती है। इस छंटनी में सेल्स और मार्केटिंग समेत अन्य डिवीजन से लगभग 20% कर्मचारियों की कटौती की जा सकती है। कंपनी का क्या कहना है। दूसरी तरफ इंटेल ने नौकरी की कटनी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि जुलाई तक कंपनी में 1,13,700 कर्मचारी थे। इसी महीने कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों के अनुमान आने के बाद अपने वार्षिक बिक्री और लाभ के पुनरानुमान को घटा दिया था। कोरोना महामारी के दौरान कंपनी के सेल्स में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन अब ऊंची महंगाई दर के साथ साथ ऑफिसों और स्कूल के खुलने के कारण हाल ही में कंप्यूटरों की बिक्री में कमी आई है। इस वजह से कंपनी के सेल्स में गिरावट दर्ज की गई है। सप्लाई चेन में आई रुकावट। चिप मेकर्स के प्रमुख पीसी बाजार चीन और यूक्रेन संघर्ष में कोरोना प्रतिबंधों के दबाव में हैं, जिसके कारण सप्लाई चेन में रुकावट आई है और मांग पर भी असर पड़ा है। इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पेंट गेलसिंगर ने मंगलवार को कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें बाहरी ग्राहकों और कंपनी के उत्पाद लाइनों के लिए एक इंटरनल फाउंड्री मॉडल बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।